नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस इंग्लिश की विशेष परिचर्चा में, जिसमें हम लोग आपके आगामी जो वैकेंसी है आपके ईएमआरएस में को लेकर के, इस ईएमआरएस में जो आपके एकलव्य विद्यालय में जो आपके टीजीटी और पीजीटी के संदर्भ में जो वैकेंसी आनी है, उसमें आपके जो जनरल इंग्लिश का जो पार्ट होता है, उस जनरल इंग्लिश के पार्ट को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। उसके मॉडल पेपर को हम एक देखते हुए चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह के एक्शन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनाए जा रहे हैं, ताकि उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम देखते हुए चलेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड आपके और भी वीडियोज आ चुके हैं, ये आपकी एक आपकी कहा जाए तो ये तीसरी वीडियो होगी किससे रिलेटेड, आपके इस मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन यहां रहेगा, इन क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा कर रहा है यहां पर, ये देखा जाए तो एक तरह से ये केवीएस में पूछा गया था आपके पीजीटी के एग्जामिनेशन में। तो इसमें जो ये पूछा गया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न, ये कहा गया है कि यहां पर ये फ्रेज दिया हुआ है, यहां पर एक फ्रेज दिया हुआ है और इससे आपसे ये पूछ रहा है कि इस पूरे फ्रेज को ना, एक दो तीन चार, ये जो आपके चार सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को क्या करना है, ये फ्रेज जो आपको है इनको मिला के कंप्लीट सेंस देना है या कंप्लीट सेंस के अकॉर्डिंग इसको बताना है, बताते हुए चलना है। तो यहां पर आप जब आएंगे इस सारी चीजों में, तो आप देखेंगे क्या है, तो इनमें करना क्या होगा, आपको एक सेंटेंस के हिसाब से बनाना होगा। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है यहां पर, तो इन सारी चीजों में करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर एक सब्जेक्ट और वर्ब का यहां पे कॉम्बिनेशन है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहां है, वर्ब का कॉम्बिनेशन यहां है। यानी आपको सेंटेंस जो ढूंढना है, वो सेंटेंस आपको ढूंढना है कैसे, वो सेंटेंस आपका ऐसे होना चाहिए कि यहां पर जिस चीज का सब्जेक्ट हो और जिस के बारे में बात करनी हो। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे सेंटेंस, आपके जो सी वाला जो सेंटेंस है आपका, सी वाले वाले पार्ट्स में देखेंगे तो क्या कह रहा है यहां पर, व्हेन द पोलिसमैन, ये पोलिसमैन है ना, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। व्हेन द पोलिसमैन क्या है, व्हेन द पोलिसमैन क्या किया उसने, उसने सा अ बर्गलर, एक चोर को देखा, ठीक ना, इन्होंने एक चोर को देखा। यानी ऑब्वियसली आपके सी के तुरंत बाद किसकी स्थिति हो जाएगी, बी की स्थिति हो जाएगी। उसके तुरंत बाद अगर देखा जाए, तो आपको सी के बाद अगर बी हो गया, बर्गलर क्या कर रहा था, बर्गलर की अगर मैं बात करूं, तो बर्गलर ने क्या किया, इंटरिंग अ हाउस, किसमें इंटर कर रहा था, एक घर में इंटर कर रहा था। तो वहां पे जो इंटरिंग हाउस हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ए आ जाएगा, और ए के तुरंत बाद आपका एक ही बचता है जो डी आ जाएगा। तो करेक्ट आपका अरेंजमेंट ये होगा, सी बी ए डी, जो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी होगा। चलते हैं, मूव करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में बताना है आपको कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉयस क्या होगा। ये बेसिकली आपका एक्टिव वॉयस है, और इस एक्टिव वॉयस को किसमें बताना है आपको, पैसिव वॉयस में। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था आपका बेसिकली, वो फॉर्मूला ये था कि जब भी कभी आपको कहीं वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखे ना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर बनती है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर पैसिव में जाता है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर होता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पहली चीज तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, वो वर्ब का ही पोजीशन होता है। यानी अगर आपने वर्ब पकड़ा है ना, अगर आप वर्ब पकड़ेंगे, तो वर्ब पकड़ करके आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। एलिमिनेशन का मेथड इसमें बहुत काम आता है। कैसे काम आएगा समझेंगे इस चीज को। अगर यहां पे कहा जाए, ये देखो आपका डिड है, यानी यहां पर कहीं वाज या वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी, और जहां नहीं है उसी ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, उसी ऑप्शन को आपको हटा देना है। ये देखें आपका यहां पे इज है, ठीक है, यहां मिल गया आपको। और अगर देखा जाए, आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे इन सारी चीजों में, तो आपको करना क्या है इस सारी चीजों में लेकर के, तो आपको जो करना है वो आप करेंगे। यहां पर आपका जो सब्जेक्ट होगा, सच अ नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो देखेंगे यहां पे वाई के तुरंत बाद वाज नहीं लगेगा, ये भी आप हटा दो, और वहां पर नेक्स्ट रिलेटेड टू यू नहीं, यहां पर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, वो यहां पे वॉज है, वॉक की थर्ड फॉर्म है, आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर आपका दूसरे का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। इसमें से आपको इन आपके, ये आपके प्रेपोजिशन है, आउट है, ऑफ है, फिर ऑफ है, फिर आपका ओ डबल एफ है, ऑफ है, और फ्रॉम है।
आपको कहा गया है कि यहां पर इसमें से करेक्ट आपका एक प्रेपोजिशन उठाना है और इस प्रेपोजिशन को इसमें फिल कर देना है। आंसर देते हुए चलेंगे, बताएं। अगर बात करी जाए क्या है, द विल केम डैश द व्हीकल व्हेन इट वाज, किसका हो जाएगा, नेगोशिएटिंग अ डेंजरस कर्व। जब डेंजरस कर्व पे वो मुड़ रहा था ना, तो व्हील व्हीकल का व्हील क्या हुआ, केम क्या हो गया, वो आ गया जब मुड़ रहा था तो क्या हो रहा था उसके बारे में ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है यहां पे, कम आउट। कम आउट का मतलब होता है किसी चीज में, अगर कम के साथ आउट लगा तो इसका मतलब होता है किसी चीज में सफल होना, यानी सफल होना या किसी चीज का पता लगा लेना, सफल होना या किसी चीज का क्या करना, पता लगाना, तो आप इसको देखेंगे। दूसरा वर्ड है आपका कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है घटित होना, क्या होना, घटित होना किसी चीज का, किसी इंसिडेंट का क्या होना, घटित होना कोई भी चीज। और ऑफ क्या बताता है, कम ऑफ होता है, ऑफ बेसिकली ओ डबल एफ जो होता है ना ऑफ, वो ऑफ बल्कि आपको क्या बताता है, वो सेपरेशन बताएगा, अलगाव बताएगा। और जब भी बात अलगाव की होगी ना, तो अलगाव के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहां पे ये चीज सेपरेशन में होगा तो ध्यान रखेंगे। कम ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना या फिर अलग होना, पीछा छुड़ाना कह सकते हो आप इस चीज को। और कम फ्रॉम क्या होता है, कम फ्रॉम मतलब ही इज कम फ्रॉम दिस सिटी, मतलब जो जिस चीज की ओरिजिन होती है वही आपका बताता है कम फ्रॉम, यानी किस जगह से आपका संबंध है, तो संबंध बताएगा। और संबंध के साथ साथ क्या बताएगा, संबंध के साथ साथ जो बताएगा वो बताएगा आपका क्या, कि आपका उससे संबंध के साथ साथ आपका उससे जन्म स्थान से जन्म देना या जन्म देना भी आप इस चीज को कह सकते हैं, यानी केम हो जाएगा। और केम के साथ जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो घटना की बात करिए, इंसिडेंट की बात करी जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि आई हैड फिनिश्ड माई एक्सरसाइज वेन माई फ्रेंड केम टू सी मी। और ये जो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का आपको बताना है क्या, इस सेंटेंस को बताना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। आपको मैंने बार बार बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको टेंस में, तो मैंने टेंस में बताया था कि वर्ब बेसिकली दो चीजें बताता है, एक तो स्टेट बताएगा या फिर एक स्टेट वर्ब होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और ये बताता है आपका एक्शन या फिर अवस्था भी बताएगा, यानी किसी चीज की एग्जिस्टेंस भी बता सकता है एक वर्ब। अगर एग्जिस्टेंस बताएगा ये वर्ब तो थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखेंगे, वो क्या बताता है बेसिकली इसके बारे में, कि वर्ब अगर कहा जाए तो वर्ब को अगर टाइम से रिलेट करके बता जाए तो वही आपका क्या होता है, वही आपका टेंस होता है। अगर वर्ब को आपको टाइम से रिलेट करके बताया जाए, तो यहां आप देखोगे कि यहां पर एक हैड लगा हुआ है और यहां पर आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ध्यान रखेंगे जब भी कभी बात पास्ट ऑफ द पास्ट की होती है, किसकी होती है, बात आपके पास्ट ऑफ द पास्ट की होती है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रेजेंट है अगर, तो ये आपका पास्ट होगा, और पास्ट जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट बिना किसी पास्ट की घटना से, घटना के साथ ही आ सकता है, यानी इसकी घटना के बाद की जो स्थिति होती है उसके पहले की भी जो स्थिति होती है वही पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। यानी यहां पर आपने देखा व्हेन जुड़ा हुआ है और व्हेन एक बता रहा है पास्ट को, ये भी V2 है ना, तो पास्ट बताएगा, तो मतलब ये सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। ये आपका बेसिकली डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, इसका आपको बताना है क्या, इसका आपको बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म। चलो, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, इसमें भी आपको जो प्रीफर करना होता है ना, वो प्रीफर ये करना होता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखा जाता है, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में बदलेगा, ठीक है। अगर किस स्थिति में नहीं बदलता है, जब वहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन या फिर आपकी हैबिट या फिर आपके एक्शन को बताए जो आपकी रेगुलरली बेसिस पे आपके वो एक्शन है, तो ध्यान रखेंगे आई ऑलवेज। ऑलवेज क्या बताता है, ऑलवेज दो चीजों के बारे में बताता है। ऑलवेज का यूज आपको मैंने बताया था कि ऑलवेज का यूज हम इरिटेशन में भी करते हैं, कब, उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम यूज कर सकते हैं ऑलवेज का। और एक ऑलवेज का यूज हैबिट भी बताता है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे यहां पे इसकी हैबिट के बारे में बता रहा है, यानी कि सेड टू तो टोल्ड में बदलेगा, लेकिन ये जो चीज रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब कहां पे बदलाव नहीं है यही आपको देखना है, टेक वर्ब को पकड़े, टुक जहां पे है उसको हटाते चलो, यहां पे भी टुक है, टुक यहां पर भी है, और यहां देख लो हैड यहां पे है, कोई चेंज नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन एक ही बचा जो डी आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा, सी डिस्कवर्ड टू हर हॉरर
ठीक है, दैट सी स्वैलोड अ फ्लाई वाइल ड्रिंकिंग टी, क्या है उसने एक डिस्कवर किया अपने अपने भय को, भय को मतलब डिस्कवर, हॉरर जो होता है आपका, क्या हॉरर की बात कर रहा है यहां पे। इस वाले क्वेश्चन में जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो सेंटेंस में आपको एक वर्ब दिखेगा, वर्ब ये है आपका डिस्कवर्ड, और डिस्कवर्ड के बारे में मैं बताऊं तो डिस्कवर्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने काम को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर जब काम को करेगा तो वहां पे एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन होता है। आप देख लो यहां पे हॉरर क्या है, हॉरर एक नाउन है, यानी कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और इसके लिए तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ना, यानी कि यहां पे टू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ये आपको बताना है कौन सा है आपका, ये है आपका डिरिसिव, डिरिसिव का क्या होता है, फिर सेंटेंस को ऐसे पढ़ सकते हैं, डायरिसिव भी पढ़ सकते हैं सेंटेंस को, या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं डिरिसिव या फिर डायरिसिव पढ़ सकते हैं। डायरिसिव का मतलब क्या होता है, डायरिसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज का मजाक उड़ाया जाए या किसी चीज को उपहासपूर्ण तरीके से प्रकट किया जाए, तो डायरिसिव जो होता है वो होता है उपहासपूर्ण, क्या होता है वो होता है आपका उपहासपूर्ण, समझ में आ गया, यानी मजाकिया अंदाज में, तो डेरिसिव क्या हो जाएगा, मजाकिया अंदाज में। बाकी सारी चीजों को देख लेते हैं, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, और आपको ढूंढना है सिमिलर मीनिंग, आपको क्या ढूंढना है, नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। डिसडेनफुल मतलब क्या होता है, डिसडेनफुल मतलब होता है किसी की अगर आप अनादर या अवहेलना करते हैं, किसी का आप अवहेलना करें या फिर अनादर करें, तो अवहेलना पूर्ण से डिसडेनफुल हो जाएगा। एब्यूसिव का मतलब क्या होता है, एब्यूसिव वो चीज होता है जिसके बारे में आप गाली मतलब उसका अपमान करें, बेसिकली क्या हो जाएगा वो अपमानजनक कोई भी चीज। और डिसेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिसेंट तरीके से, मतलब आप बहुत ही ज्यादा नोबल तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिसेंट या नोबल, तो आपका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा, वो आपका डी आंसर हो जाएगा, परफेक्ट डेरिसिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है मिटिगेट, इसका ऑपोजिट ढूंढना है आपको, देख लो ये ऑपोजिट है और मिटिगेट का ऑपोजिट आपको बताना है कि मिटिगेट का ऑपोजिट क्या होगा। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी परिस्थिति या गंभीरता को क्या करना, कम करना, यही होता है मिटिगेट। मिटिगेट के बारे में मैंने वोकैब की क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में इस चीज को बता दिया था, किसी गंभीरता को कम करना, मतलब आप बहुत ही ज्यादा सीरियस अगर कैंडिडेट हो, अगर आप बहुत सीरियस उस वे में करते हो तैयारी या सीरियस कोई भी चीज, तो उस चीज को क्या कर रहे हो आप, उस चीज की गंभीरता को कम कर देना, यानी क्या हो जाएगा आपका मिटिगेट होता है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है कम करना। अब फ्लोट मतलब होता है तैरना, फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना, तो आंसर तो ये भी गलत हो जाएगा। रिड्यूस मतलब कम करना, तो रिड्यूस और मिटिगेट तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन आपका गया। बात करी जाए इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, और एक्सपांड का मतलब क्या होता है, अपने पूरे साम्राज्य को क्या करना, फैलाना या पूरे साम्राज्य में किसी चीज को विस्तारित करना, तो एक्सपांड तो वैसे भी हट गया, ध्यान रखेंगे इंक्रीज आपको करना है। और मिटिगेट होता है कम करना, मतलब आपकी भावनाओं या मनोदशा को क्या कर देना, कम करना ही होता है, तो इंक्रीज और आपका डिक्रीज से रिलेट कर लेंगे इस चीज को। चलिए इसमें कह रहा है आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में कि इसमें आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट्स का जो आपका है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, ये फ्रिवलस जो है ना, ये फ्रिवलस जो वर्ड है, इसी वर्ड का आपको बताना है, क्या इसी वर्ड का अंडरलाइन वर्ड है, मैंने ब्रैकेट में कर दिया इस चीज को, इसी का बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फ्रिवलस क्या है इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस है आपका, स्टूडेंट शुड नॉट क्या है, व्हाइल अवे देयर टाइम क्या हो जाएगा, इन फ्रिवलस एक्टिविटीज, ठीक है ना, इन फ्रेवलेस एक्टिविटीज। इन सेंटेंसेस में जब आप देखोगे इस पूरे सेंटेंस को, तो कह क्या रहा है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स के बारे में बात करी जा रही है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट बनने का कौन काम कौन करता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहां स्टूडेंट्स हो गया। आगे जब स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो देखो ये एक्टिविटीज क्या है आपका, एक्टिविटीज आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता एक एडजेक्टिव बताता है, यानी कि फ्रिवलस क्या हो जाएगा आपका, फ्रिवलस यहां पे देखा जाए तो फ्रिवलस आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव नहीं है तो यानी कि यहां वर्ब लिख रखा है, इसको आप कर देंगे एडजेक्टिव, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन की विशेषता बता रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये बता रहा है आपका हुर्रा, We have won, इसमें कहा है
कि व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड आफ्टर हुर्रा। ये जो हुर्रा है ना, हुर्रे कहते ना, हुर्रे हिप हिप हुर्रे इस तरह से बोलते हैं हम ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी किसी चीज में आपको जब एक्स्ट्रा इमोशंस शो करने को मिले, जब भी आप एक्स्ट्रा इमोशंस अपना शो करते हैं, वही होता है आपका कौन सा, वही होता है आपका टेंस कौन सा सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये पार्ट होता है जिसमें जो हुर्रा होता है ना, ये हुर्रा ये होता है, हुर्रे की बारे में बात करें या हुर्रा इस मामले में बात करें, ये ऐसी चीज होती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब आप ये एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय है, मतलब प्रसन्नता एकदम जब आप बहुत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपनी किसी भी चीज को, अपनी किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देना बहुत ही उच्च तरीके से, वो क्या होता है आपका, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और यहां पर आपका आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आएगा आपका सी। तो ये आपके मॉडल पेपर हैं, इन मॉडल पेपर्स को आप बार बार सॉल्व करते रहें, इसी तरह की आपकी सीरीज मिलती रहेंगी। इन सारे क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन की एक मॉडल पेपर को लेकर के हम लोग सभी लोग एक तरह से बनाते हुए चल रहे हैं, इस चीज पे हम समझते हुए चल रहे हैं। इसी तरह से आपके और भी मॉडल पेपर आएंगे, तो इन मॉडल पेपर से सॉल्व करके अपनी एक इंग्लिश को अच्छे तरीके से बूस्टअप आप कर सकते हैं। और बाकी फिर कल की क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में एक और आपकी जो इसी तरह की सीरीज होगी उस सीरीज को लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।